नमस्कार दोस्तों, आरओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वाटर प्यूरीफायर का फ्लूट स्विच रिप्लेस करने वाले हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये वाटर प्यूरीफायर, तो इसका फ्लूट स्विच मतलब ये, तो इसको रिप्लेस करने वाले हैं। तो उसको रिप्लेस क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये जो फ्लूट स्विच है तो कस्टमर का कहना था कि वो बार बार आरओ बंद ऑन ऑफ होता है, मतलब कभी चालू होता है तो कभी बंद होता है। कभी कभी चालू करते वक्त क्या करना पड़ता है, इसके ऊपर ऐसी थाप मारनी पड़ती है, किस तरह से इस तरह से मारना पड़ता है, तभी वो चालू हो जाता है। मतलब ये अब ये देखिए, ये हमने नया परचेस किया है इसको रिप्लेस करने के लिए। तो ये जो ऊपर जाता है ये, तो ये इधर ही अटकता है, नीचे नहीं आता है ये बॉल। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। तो मैं ये नीचे का स्क्रू निकाल कर रखा है, इस तरह से आपको दिखाता हूँ। ये जो बॉल है टंकी भरने के बाद ये ऊपर जाता है, और फिर बाद में वापस आते वक्त तो वापस नहीं आता है, मतलब बीच में अटक जाता है। इसकी वजह से ये पूरा सेट, मतलब फ्लूट स्विच का पूरा सेट, यहाँ से नीचे तक जो नीचे का ये है, ये है, तो इसको भी रिप्लेस करने का डिसीजन लिया। तो ये किस तरह से रिप्लेस करते हैं चलिए देखते हैं। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ये देखिए, ये जो वायर्स है दो, तो इसको रिमूव कीजिए, इस तरह से रिमूव कीजिए। हाँ, ये ध्यान में रखिए कि कभी कभार क्या होता है कि हम ये जो वायर रिमूव करते हैं फ्लूट स्विच की, लगता है कभी ये ऊपर नीचे हो जाएगी, तो इसको डरते हैं हम। कोई बात नहीं, ऊपर नीचे की ऊपर हो गई या ऊपर की नीचे हो गई तभी कोई मैटर नहीं है। सिर्फ क्या करना है, ऊपर और नीचे इस तरह से उसके स्लॉट में डाल देना है। दूसरी बात, इधर दो स्लॉट है और इसको तीन है, तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, बीच का छोड़ देना है और ऊपर और नीचे डाल देना है ये जो वायर्स है। तो किधर भी नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे की हो गई तो कोई बात नहीं है। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, इसको रिमूव करते वक्त क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है ये घूम रहा है, ये ऊपर का माइक्रो स्विच, ये ऊपर का, इसको सीधा ऊपर उठाइए पीछे से, ये देखिए निकल गया, पीछे से ऐसा उठाना है तो ये निकल जाएगा। तो इस तरह से आपका माइक्रो स्विच रिमूव हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाला बोल्ट है प्लास्टिक वाला, ये देखिए बोल्ट, तो इसको सिर्फ आपको घुमाना है, हो गया, पूरा ढीला हो गया। ढीला होने के बाद इधर ही रखिए, कोई बात नहीं, और ये बॉडी उठा दीजिए। बॉडी उठाने के बाद बॉडी सीधी ऐसी कर दीजिए और ये लूज कीजिए, ये पीछे से निकाल दिया और ये हो गया। ये देखिए आपका पूरा का पूरा फ्लूट स्विच रिमूव हो गया। ये हमारा फ्लूट स्विच है पुराना, कौन सा, ये देखिए। उसको डालना निकलना बहुत आसान है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये साइड में रखता हूँ और नया लेता हूँ, ये नया है और ये पुराना, इसको साइड में रखता हूँ। तो ये देखिए, इसको सिर्फ ये ऊपर का ये जो माइक्रो स्विच है उसको ऊपर की तरफ खींचना है, ये देखिए निकल जाता है। और इसके बाद ये ऊपर का नट निकालना है, और नट निकालने के बाद ये निचले वाली साइड इधर लगा दीजिए, इस तरह से दाब दीजिए, दबा दिया, और ये जो आपका बोल्ट है उसको पीछे से लगाइए, टाइट किया। टाइट करते वक्त एक ध्यान में रखिए कि इसका जो एंगल है, तो ये जो आपका स्क्रू है इसके स्क्रू के ऊपर नहीं आना चाहिए, साइड में आना चाहिए, बीच में हो गया। तो उसको घुमाइए, ऊपर घुमाइए, ये ऊपर आ गया। तो ये जो हमारा माइक्रो स्विच है उसको सिर्फ इधर प्रेस कीजिए, ये देखिए अटक गया, इस तरह से आवाज़ आएगा, अटक गया। अटकने के बाद अभी ये ओके इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है इसको हमें चेक करना है। तो इसको इस तरह से चेक कीजिए, ऐसा रखिए, और ये जो बॉल है दबाइए, दबाने के बाद आवाज़ आना चाहिए, ये देखिए आवाज़ को आया, आवाज़ देखिए, ये जो कट कट का आवाज है, तो ये आवाज आएगा तभी आपका फ्लूट स्विच
प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। इस तरह से आप अपना फ्लूइड स्विच इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद ये दो वायर्स है, ये दो वायर्स ऊपर की ऊपर लगा दीजिए, कौन सी भी ऊपर लगा दीजिए कोई बात नहीं, और नीचे ही लगा दीजिए। लगा दिया, उसके बाद सीधा आपको क्या करना है, चेकिंग करना है। इसको मैं लगाता हूँ बोर्ड में, उसके बाद फिल्टर चालू करता हूँ। ये देखिए फिल्टर चालू हो गया, और फिल्टर चालू होने के बाद आपको टेस्ट करना है। ये जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है, इसका नोब इसके बीच में डालिए, और ये जो काली वाली पट्टी है उसको ऊपर खींचिए। ऊपर दबाने के बाद हमारा ये बंद होना चाहिए, आरओ सिस्टम बंद होना चाहिए, तभी ये माइक्रो स्विच अच्छी तरह काम कर रहा है, मतलब प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। छोड़ दिया, फिर चलना चाहिए, मतलब ये जो है आपका माइक्रो स्विच ऊपर जाएगा, इस तरह से ऊपर जाएगा तो इधर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट होने के बाद हमारा आरओ सिस्टम बंद हो जाएगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पुराने हैं तो लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।